पुष्कर दरवाजे पर खड़ा होकर अचानक बाहर की ओर हाथ हिलाया। तभी अचानक 7 या 8 रिपोर्टर अंदर आ गए थे। अंदर आते ही उन्होंने क्लिक क्लिक करते हुए अपने कैमरे से कई तस्वीरें ली और तुरंत रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। सभी को नमस्कार, हम लीगल फ्रंटलाइन की रिपोर्टर टीम है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है, हमने सुना है कि एक हत्यारे ने आज यहाँ मरने वाले के लिए एक शोक सभा आयोजित की थी। पूरी घटना की सच्चाई क्या है हम बताएंगे इस पूरी घटना का तुरंत इंटरव्यू करके। तुम कौन हो, तुम्हें आने के लिए किसने कहा, बाहर जाओ। डायरेक्टर बांगरू हैरान थे, लेकिन अब सिचुएशन इस हद तक पहुंच गई थी कि बांगरू इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर बांगरू, मैंने आपके गार्ड्स और स्कूल के चौकीदारों के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की जांच की है। कुल 12 चौकीदार हैं, उनमें से 11 का सरनेम आपके जैसा ही है। बांगरू, वे सभी आपके रिश्तेदार हैं। डायरेक्टर बांगरू, हमें सीसीटीवी का वीडियो फुटेज और ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला है। अपनी मौत से पहले गहन सिंह ने लगातार 48 दिनों तक ओवरटाइम काम किया, एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम किया। डायरेक्टर बांगरू, गहन सिंह की सैलरी सभी गार्ड्स में सबसे कम क्यों है। डायरेक्टर बांगरू ने हड़बड़ाहट में चारों ओर देखा और कोने में ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ देखा। वह दौड़ा और सीधे फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और रिपोर्टर्स पर स्प्रे करना शुरू कर दिया। यहां से चले जाओ, मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। आखिर में लोगों के झुंड को दूर करने के बाद एक इंसान अचानक हवा में फैले सूखे पाउडर के बीच में से कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। पुष्कर, अब पता चला ये तुम ही हो। क्या तुमको लगता है कि तुम सिर्फ अपनी रेपुटेशन खोकर अपने पापों को छुपा सकते हो, ये काफी नहीं है। पुष्कर इतने गुस्से में था कि उसने आगे बढ़कर डायरेक्टर बांगरू को 2 थप्पड़ मारे। तुम पुष्कर, तुमने डायरेक्टर को मारने की हिम्मत की। पुष्कर ने अपनी दाहिनी हथेली आसमान की ओर उठाई और उसकी हथेली में एक बहुत बड़ा प्राचीन अक्षर दिखाई दिया, द रीइनकार्नेशन ऑफ हेवन। मैं तुम्हें सजा सुनाता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी के 50 साल तुमसे छीन रहा हूं। मेरी मदद करो। ओह मेरे हाथ, आह मेरे हाथ, मेरे दांत, आह। डायरेक्टर बांगरू कई बार चिल्लाए और अचानक देखा कि उनके दांत गिर गए थे, उनके बाल झड़ गए थे, उनके हाथ झुर्रियों से भर गए थे और उनका पूरा मोटा शरीर बूढ़ा कमजोर हो गया था, मानो उसका पूरा शरीर किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गया था। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे पहले जैसा कर दो। पुष्कर ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था और पीछे मुड़कर सोनिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ आओ। सोनिया ने सब कुछ देखा और वह दंग रह गई थी। इस समय वह अपना दुख भी भूल गई थी। अपनी आंखों के सामने डायरेक्टर बांगरू को एक बूढ़े आदमी में बदलते हुए देख वह बता नहीं सकती कि उसे कैसा महसूस हुआ था। पुष्कर सोनिया को लेकर उसके घर आया था। सोनिया बिल्कुल गुमसुम थी। पुष्कर से एक तांबे का सिक्का निकाला और उसमें कुछ फुसफुसाया। तभी अचानक तांबे के सिक्के से एक परछाई निकल आई। दादाजी, वहां मत जाओ, तुम्हारे शरीर में हेवन एनर्जी है। एक बार जब तुम उनके पास से गुजरोगी तो उनकी शैडो गायब हो जाएगी। सोनिया, मेरे बच्चे, रो मत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दादाजी अब आगे से तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएंगे। दादाजी, आप मेरा अच्छा ख्याल रखते थे। आप आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए अकेले रहना बहुत कठिन होगा। तुम्हें पेंशन रखना होगा और एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं वहां तुम्हारी देखभाल करने के लिए नहीं हूं। सुबह उठते समय खिड़की बंद करना, याद रखना, नहीं तो बारिश होगी और तुम्हारा कमरा फिर से गीला हो जाएगा। तुम अभी छोटी हो, इन चीजों को नहीं समझती हो, इसलिए बस मुझे अग्नि के हवाले सौंप देना। दादाजी, आप मुझे आपकी बहुत याद आती है। मेरी प्यारी पोती, ये तो मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें पालने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया। अगर तुम कभी बीमार पड़ जाओ तो तुम्हें डॉक्टर को जरूर दिखाना है, ठीक है। जब तुम मेरे जितनी बूढ़ी हो जाओगी ना तो सब कुछ ज्यादा कठिन लगने लगता है, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ संभाल लोगी। कहन अंकल, चिंता ना करें, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं सोनिया की देखभाल करूंगा। आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। अगर आप ज्यादा देर दुनिया में बात करते रहेंगे तो आप एक ईवल स्पिरिट बन जाएंगे। गहन अंकल कुछ भी कहने में झिझकते हुए पुष्कर की ओर देख रहे थे। गहन अंकल की छाया आखिर में धीरे धीरे खत्म हो गई। वह तांबे का सिक्का एक बार फिर से टूट गया था। दादाजी, सोनिया जोर से चिल्लाई और फिर से बेहोश हो गई थी। अगली रात तक सोनिया की नींद नहीं खुली थी। उसे फिर से तेज बुखार होने लगा और वह बार बार घबरा कर केवल अपने दादाजी का नाम ही पुकार रही थी। पुष्कर ने पर्सनली अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे कुछ समय के लिए राहत दी तो आखिरकार वह गहरी नींद में सो गई थी। अगली सुबह शामली ने उसे फोन किया और उसे तुरंत घर आने के लिए कहा। पुष्कर जल्दी से घर पहुंच गया। इतना जरूरी क्या है, हम फोन पर बात नहीं कर सकते थे। तुमने कौन से पौधे लगाए थे,
हैरानी की बात है, वो तो डांस भी कर सकते हैं। पुष्कर ने कौन से पौधे लगाए थे, क्या शामली और पुष्कर के बीच कुछ होने वाला था, जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।